दोस्तों, डिप्लोमा नर्सिंग फ्रॉम इंडिया इज़ ओनली असेस्ड एज 3 ईयर ऑफ हॉस्पिटल स्टडी एंड अपॉन एलिजिबिलिटी रिव्यू नो पॉइंट वुड बी गिवन फॉर दिस स्टडी टर्म अनलेस डिप्लोमा बैचलर और मास्टर वुड हैव मेंशन्ड इन द WAS रिपोर्ट। दोस्तों, इधर पॉइंट नहीं मिलते फॉरन स्किल्ड वर्कर दे अधीन, यानी कि FSW दे अंडर GNM वैलिड नहीं है। इसी करके मोदी जी ने इस साल तो बाद बंद करन दा ऐलान किया GNM का। पर कन्फ्यूज़ ना होवो, नैनी वास्ते GNM वैलिड सी ते वैलिड रहेगी। इस करके बहुत सारे चंडीगढ़ मोहाली पतवंते बैठे हैं वो WAS दी रिपोर्ट नूं FSW नाल कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो जिहड़ा हैगा उसनूं स्किल्ड वर्कर नाल कन्फ्यूज़ ना करो। फिर दोबारा वो पॉइंट सिस्टम ते हुंदी है FSW, जिहड़े नैनी है वो एक्सपीरियंस बेस ते हुंदी है। दूसरी गल, अगर तुहानूं लगता है कि WAS जिहड़ा हैगा GNM दे बारे, क्योंकि वो तो लिखेगी कि ये 3 ईयर हॉस्पिटल स्टडी दे बराबर है, तो वह कनेडियन नर्सिंग दे इक्वलेंट नहीं है, वो उत्थों दी कनेडियन स्टडी दे इक्वलेंट नहीं है GNM। तो दोस्तों, इसका राह की होंदा है कि तुसी फाइल जिहड़ी है वो FSW विच स्किल्ड वर्कर दे अंडर ना लगाओ। क्यों? हॉस्पिटल स्टडी असैसमेंट जिहड़ी हैगी NOC 30/22 दे अंदर लग सकती है, ना कि 30/12। 30/22 की है लिशेंशियट प्रैक्टिकल नर्सिंग, पर उदे च भी क्यू है, कतारा है बहुत सारिया, ते कतार दे विच कदों तुसी आओगे पता नहीं। तुसी फाइल लगांदे हैगे 30/12 विच जो कि कैटेगरी हैगी रजिस्टर्ड नर्स ते रजिस्टर्ड सकैट्रिक नर्स दी, जो कि BSc या MSc नर्सिंग वास्ते है। इस करके WAS दा फॉल्ट नहीं है मेरे दोस्तों, तुहाडी समझ विच ते सारी समझाउण वालियां दे विच फर्क है। हुण तुसी समझ गए होणे NOC कोड दे विच RPN नहीं है, रजिस्टर प्रैक्टिकल नर्स NOC कोड विच नहीं है, NOC कोड विच LPN हैगी। तो दोस्तों, द परसन हू डिड 4 ईयर इन नर्सिंग एंड WAS गेव दैम रिपोर्ट एज इक्वलेंट टू कनेडियन डिग्री, द रीज़न वाज कि वो 4 साल दी वो उसनू कॉलेज स्टडी दे बराबर मनते है। तो दोस्तों, इहदे विच निराशा नहीं होनी, कभी दिमाग नहीं रखना कि FSW विच GNM नहीं कंसिडर की गई तो इहदे विच WES का कसूर है, नहीं। तुसी इहदी जड़ तक जाओ, तुहानू समझ आ जाएगा की कारण है। अगर तुसी नैनी वास्ते कन्फ्यूज़ हो, नैनी वाले बच्चे हैं, GNM वाले ने बच्चे ने नैनी की हुई है, तो वो सोचते हैं कि यार कित WAS की रिपोर्ट कबाड़ा ना कर दे। दोस्तों, तुसी अगर सैमसंग तुहाडे माफक नहीं आया तो रिलायंस माफक आ जाएगा, जियो आ जाएगा, दूसरे मोबाइल आ जाएंगे, वाइवो आ जाएगा। तो वह जहाँ वाइवो कौन है? ICAS, IQAS। हुण मैनू पंजाबी जी टिपिकली तुहानू समझाना पिया कि क्योंकि 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ GNM इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इक्वलेंट टू कनेडियन नर्सिंग, दैट्स वाई इफ यू आर इन डाउट अबाउट WAS, इट इज़ नॉट ए फाइनल डेस्टिनेशन, गो टू ICAS, IQAS, जिहड़ी कि 2 ईयर सेकेंडरी एजुकेशन के बराबर तुहाडे GNM नूं मनदी हैगी। उही तां आपां नूं चाहीदा हैगा, आपां ने पॉइंट बेस ते थोड़ा नैनी दी जिहड़ी हैगी PR लैनी, आपां ने कनेडियन एक्सपीरियंस ते बेसिक एलिजिबिलिटी नूं पूरे करदे लैनी है। अगर तुसी किसी तरह की साडी मदद WAS या ICAS या ICAS दी वैल्यूएशन या ECA विच लैनी हैगी, तो फोन नंबर नोट करो 8427328156। पहला WhatsApp करो, क्योंकि फोन बिजी हुंदा हैगा, अपनी समस्या दसो ते पहला सारे पढ़े लिखियां तो सलाह लै लो, उत्ते पैसा खराब कर लो, फिर जरूरत पएगी तो असी तुहाडी हैल्पलाइन आ, क्योंकि जब तक बंदा पैसा पंजाबी नहीं खराब करता उन्हूं समझ नहीं आती। धन्यवाद दोस्तों।